इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस पेंट में इरेजर टूल को बड़ा एंड छोटा कैसे करते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब देना, लगे रहते वीडियो को भी लाइक कर देना। तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इरेजर टूल को बड़ा करना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करें, आपका इरेजर से बड़ा होगा। अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते तो आपका इरेजर कुछ इस प्रकार से छोटा होगा। अब बात करते हैं इरेजर टूल का यूज कहाँ पर होता है। अगर किसी शेप्स को हमको इरेज करना हो, अगर गलती से बन चुका हो तो कुछ इस प्रकार से इरेज कर सकते हैं।